नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। मैं दीपक द्विवेदी। बायो की इस क्लास में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और हमने लगभग सारे ऑर्गन, हार्मोन एंड फंक्शन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस कर लिया। जब हमने इतना सब डिस्कस कर लिया तो एक टॉपिक बचा है, एनिमल किंगडम। अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो ये टॉपिक जो है जनरली हम पढ़ते नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इसमें से क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं पिछले 5 इयर्स में, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम। तो इस बात को ध्यान में रखना आपको, और इस स्टेट पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो पॉइंट्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो उस एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के पढ़ने के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। गुड इवनिंग विशाल। तो हम शुरू करते हैं आज के हम टॉपिक को। अगर हम दुनिया की बात करें कि ये क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, क्लासिफिकेशन का बेस उनका स्ट्रक्चर है, उनकी बॉडी है, उनके शरीर का विभाजन है, उनकी एनाटॉमी है और उनका एवोल्यूशन है। इनके आधार पर उनको हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। थैंक्स विशाल, आपको भी सबको होली की शुभकामनाएं। जीवन का हर रंग आपके पास हो, आनंद हो, सुख हो, स्वास्थ्य हो, प्रसन्नता हो, बेहतर मित्र हो, बेहतर जीवन साथी हो, बेहतर परिवार हो, सब कुछ आपको मिले, हर रंग आप में भरा। तो संरचना विकासवादी पॉइंट ऑफ व्यू को बनाए हुए एक समूह बना दिया गया जिसको हमने अलग अलग ग्रुप में रख दिया। अगर हम दुनिया की बात करें तो लगभग इनवर्टिबेट्स की बात करें तो आप देखें 14 लाख प्रजातियां इनवर्टिबेट्स की है, 62,000 एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। मतलब 80% जो टोटल स्पीसीज हैं दे आर इनवर्टिब्रेट्स। दुनिया में जो 80% जीव की प्रजातियां हैं वो कौन सी है, अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स है, अकशेरुकी। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। और 3% है वर्टिब्रेट की, कशेरुक मीन्स जो दो स्पाइनल कॉर्ड, और ये है प्लांट 17%। दुनिया में अगर हम देखें तो जीवों के पास, जंतुओं के पास जो है वो करीब 83% स्पीसीज है, और प्लांट्स के पास लगभग 17% प्रजातियां पाई जाती हैं। इस 83% को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 80% इनवर्टिब्रेट्स एंड 3% वर्टिब्रेट्स। इस तरह से हमने इनका विभाजन किया हुआ है। तो हमारे पास ज्ञात ये प्रजातियां हैं इस समूह, करीब 13 अरब ज्ञात प्रजातियां हैं। अभी तक जीवित सभी जीवों का केवल 5% है, मतलब 13 मिलियन नोन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज द ओनली 5% ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड। दुनिया जितनी भी प्रजातियां रही हैं उसमें से केवल 5% को हम जान पाए हैं, और अभी भी नए को खोज रहे हैं और पहचानने की प्रक्रिया चल रही है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण जीवों की उसकी समानता के आधार व्यवस्थित समूह व्यवस्था है। वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमिस्ट वैज्ञानिक है जो जीवों की पहचान और उनके नाम रखते हैं। क्लासिफिकेशन द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ऑर्डरली ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज। किसके आधार पर रखते हैं? उनकी सिमिलैरिटी के आधार पर उनको रखा जाता है कि उनमें क्या क्या एक समानता है। द क्लासिफिकेशन आर आल्सो नोन एज अ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमिस्ट आर द साइंटिस्ट दैट आइडेंटिफाई एंड नेम ऑर्गेनिज्म। एक खास बात याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट, पौधों और जंतुओं के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट। व्हाई क्लासिफिकेशन? व्हाई वी क्रिएट दिस क्लासिफिकेशन? भाई हमें इतना सारा पढ़ना होगा, बेटर हम बोले भैया ये कौन है, नोला प्रोटोजोआ है, तो आप बोलेंगे अच्छा अच्छा एक कोशिका वाले हैं, सीलिया और फ्लैजेला मिलता है इनमें, जनरली एक्वेटिक एनिमल है। मतलब आप एक केवल उस क्लासिफिकेशन के परिवार से आप समझ जाएंगे कैसा है। जैसे बोलूंगा मैं सीलेंटेट्रा, आप बोलेंगे अच्छा जब वो कांटे वाले हैं थोड़े से, सीलेंटेट्रा है, इकाइनोडर्मेटा है,
कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इस आधार पर भी आप विभाजन के आधार पर समझ सकते हैं। इसलिए आपको इन ऑर्डर टू मोर इजीली स्टडी करने के लिए द यूनिटी एंड डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही परिवार के होने के बाद भी उनमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, इसलिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं इनका वर्गीकरण कहते हैं। किसके आधार पर करते हैं? उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके, उसके बेस पर उनको विभाजित करने का काम करते हैं। और जनरली जो दिखता है, फिजिकल अपीयरेंस जो होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, वो प्राइमरी बेस होता है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, प्राइमरी बेस क्या होता है? क्लासिफिकेशन का। इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन के अर्ली टैक्सोनॉमिस्ट जो है वो है एरिस्टोटल। अरस्तु ने पहली बार क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया और अरस्तु ने भी जीवों को बांटने की कोशिश की कि जंतुओं का वर्गीकरण किया जाए। तो अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया उनका आधार बिल्कुल सिंपल था। उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया एनिमल, एनिमल की बात कर रहा हूं मैं, एनिमल, डिवाइड एनिमल इन टू पार्ट। फर्स्ट जिनमें आरबीसी मिलता है, नो आरबीसी, जिनमें आरबीसी नहीं मिलता। इस बेस पर अरस्तु ने एनिमल को दो पार्ट में बांटने का काम किया। ठीक है, तो जिनमें मिलता है उनको कहा उन्होंने एनाइमा, एनाइमा, जिनमें आरबीसी मिलता है उन्होंने इसको क्या कहा? अनाइमा कहा। और जिनमें नहीं मिलता है उनको एनाइमा कहा। जिसमें आरबीसी है वो ई से स्टार्ट है और जिसमें आरबीसी नहीं है उसमें ए फॉर एब्सेंट है। उसमें आ रहा है डीएम गुप्ता जी, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन पर भी आएंगे। तो जिनमें आरबीसी मिलता है वो ई एन ए आई एम ए, एनाइमा, और जिनमें नहीं मिलता वो अनाइमा होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। इसके बाद उन्होंने जो आरबीसी मिलता है जिनमें, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जो बच्चे को दे जन्म देते हैं, एक जो अंडे देते हैं। ठीक है, जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको नाम दिया गया दो। एक जो बच्चे, जैसे मनुष्य क्या करता है, वो बच्चों को क्या करता है? जन्म देता है, तो उसको कहा गया बीवी पुरुष। ये हो गया ओवी पोरस। ओवी मतलब अंडे को जन्म देने वाले, ओवी पोरस है, और जो बच्चों को जन्म दे वो बीवी पैरा है, बीवी पैरा, ओवी पैरा। तो हम किस में आते हैं? हम बीवी पैरा में आते हैं, जो बच्चों को जन्म देने का काम करते हैं। तो ये किसने किया? इनिशियल डिवीजन किया एरिस्टोटल ने 2000 ईयर अगो। वॉज द फर्स्ट टैक्सोनॉमिस्ट, कहा पहले टैक्सोनॉमिस्ट थे अरस्तु, जिन्होंने जंतुओं को आरबीसी के आधार पर बांटा। जिनमें आरबीसी मिलता है वो कहलाएगा एनाइमा, और जिसमें नहीं मिलता वो कहलाएगा अनाइमा। इस एनाइमा को दो पार्ट में डिवाइड किया, जो बच्चे देते हैं वो बीवी पैरा, जो बच्चे अंडे देते हैं बच्चे ना देकर वो ओवी पैरा। क्लियर है, ओवी पैरा और बीवी पैरा। फिर आए कैरोलस लीनस, जिनको हम कहते हैं 18th सेंचुरी टैक्सोनॉमिस्ट, क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म बाय देयर स्ट्रक्चर, डेवलप नेमिंग सिस्टम स्टिल यूज टूडे, सो ही नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ही नोन एज द फादर ऑफ ड्यूअल नोमेनक्लेचर, दुई नाम पद्धति के जनक जो है वो किसे कहते हैं हम? कैरोलस लीनियस को कहते हैं। तो कैरोलस लीनियस ने दुई नाम पद्धति को जन्म देने का काम किया। इनकी बुक का नाम था सिस्टम नेचर, सिस्टम नेचर जो है इनकी पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक में इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण करने का काम किया। ये एग्जाम में आएगी कि सिस्टम नेचुरा क्या है। सिस्टम नेचुरा जो है कैरोलस लीनियस की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण करने का काम किया। टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं इनको। नामकरण की आधुनिक प्रणाली विकसित की, जिसे द्वि पद नामकरण के रूप में जाना, कॉल द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, डेवलप द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग नोन एज अ बायनोमियल नोमेनक्लेचर,
दो बात याद रखेंगे एग्जाम में पूछी जाती है, पहली बात याद रखेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, दूसरी बात याद रखें बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्वि पद नामकरण, टैक्सोनॉमी का जनक किसको कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। दो बातें बहुत अच्छे से आपको याद, ठीक है। चलो फिर आ गए विटकर। विटकर ने क्या किया, सारे एनिमल को 1969 में थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म होगा, थोड़ा सा फाइव किंगडम में डिवाइड कर दिया, किसमें बांट दिया, पांच भागों में बांट दिया। ये केवल आपको याद रखना, एग्जाम में आएगा विटकर डिवाइड ऑल लिविंग बीइंग्स इनटू हाउ मेनी फॉर्म्स इन फाइव किंगडम। तो मोनेरा, पहली किंगडम का नाम है मोनेरा। दिस किंगडम इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नेमली बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, किसमें आते हैं, मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा, इसमें कौन आएंगे, प्रोटोजोआ आएंगे। फंगस, प्लांट और एनिमल, बस सिंपल तरीके से उन्होंने बांटने का काम किया। पहला किसमें बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांट, एनिमल। मोनेरा, प्रोटोजोआ, फंगस, प्लांट, एनिमल, पांच पार्ट में डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया, विटकर ने इसे डिवाइड करने का काम किया। किसने डिवाइड किया, विटकर ने। एक मिनट जरा, so he divide it in five parts, nothing happens, thoda sa wo chaliye, so he divide it into five parts, who divide, Whitaker, in which year, 1960, okay, then rules for kya hai, naming organism, ye aapke liye bahut important hai, exam mein aayega question ki rule kya hai is tarah ke nomenclature ke liye kya niyam hai। तो पहला नियम है कि द्विपद नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय कोड में जीवों के नामकरण के नियम शामिल हैं। सभी नामों को अंतरराष्ट्रीय नामकरण कांग्रेस यानी इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। डुप्लीकेट नामों को रोकता है। द इंटरनेशनल कोड फॉर बायोनेमल नोमेनक्लेचर कंटेंड द रूल फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म। ऑल नेम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल नेमिंग कांग्रेस, इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस। दिस प्रिवेंट डुप्लीकेट नेम्स। तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमें दो बातें यहां पर याद रखनी है। पहली बात है कि इसके लिए एक इंटरनेशनल कोड बना हुआ है कि कैसे किसी का नॉमिनेशन होगा, और दूसरा कि ये जब अप्रूव करती है तब किसी का नाम
रखा जाता है इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस। क्लियर है, जब इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस उस नाम को रखती है तब उसका नामकरण होता है, और ये डुप्लीकेट नेम को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। एग्जाम में आएगा कि हु अप्रूव्ड, विच अथॉरिटी, विच इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड द बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर फॉर एनिमल। सो आंसर इज इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस। तो इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस उन नामों को अप्रूव्ड करने का काम करती है। फिर एक और आ गया स्टोरर एंड यूसिंगर क्लासिफिकेशन। देखिए इन्होंने क्या किया है, उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और एडवांस मोड में लेकर डिवाइड किया। इन्होंने बोला कि देखिए पूरी दुनिया में दो प्रकार के जीव होते हैं। एनिमल की बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्रोटोजोआ, और दूसरे होते हैं मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और दूसरे होते हैं मेटाजोआ। क्लियर है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ मतलब क्या बताया इन्होंने, यूनिसेल्यूलर, जो केवल एक कोशिका वाले होते हैं उनको कहा गया यूनिसेल्यूलर। मेटाजोआ मतलब नाम हो गया इनका मल्टी सेल्यूलर। बहुत सारी कोशिकाओं वाले, तो इन्होंने बोला एक होता प्रोटोजोआ, एक होता है मेटाजोआ। मेटाजोआ मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उसे हम मेटाजोआ के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने क्या किया, मेटाजोआ को दो पार्ट में डिवाइड किया, इनवर्टिब्रेट्स, और दूसरा डिवाइड किया वर्टिब्रेट्स। आप कशेरुकी और कशेरुकी, आकशेरुकी और कशेरुकी। आकशेरुकी मतलब नॉट हैविंग वर्टिब्रेट्स, मतलब इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, रीढ़ की हड्डी मिलेगी। आज हम जो नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं वो नॉमेनक्लेचर इन्हीं स्टोरर एंड यूसिंगर का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं जो 1975 में आया। अगर आपसे कभी एग्जाम में आया कि हम लेटेस्ट क्या पढ़ रहे हैं, तो यूसिंगर का नॉमेनक्लेचर अभी हम पढ़ रहे हैं। अब इसी को मैं यही रोक देता हूं, इन दोनों को अलग से समझा देता हूं। देखिए तो इन्होंने डिवाइड किया इनवर्टिब्रेट्स, और हिंदी में लिख देता कशेरुक, दो भागों में बांट दिया कशेरुक और अकशेरुक। आकशेरुक को फिर अलग अलग फाइलम में बांटा, जैसे पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा मतलब ऐसे जीव जिसमें पोर्स होते हैं, जिसमें छिद्र होते हैं, उनको कहा गया पोरीफेरा। फिर आगे सीलेंटेट्रा, सीलेंटेट्रा, प्लैटीहेलिमिंथस, चपटे क्रमी, प्लेटी मतलब फ्लैट, निमेटोड, मोलस्क, आर्थोपोडा, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। इसको किस में डिवाइड किया, कशेरुक। कशेरुक को दो पार्ट में डिवाइड किया, पिसीज मतलब मछलियों का समूह, और ये डिवाइड किया टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब जिसमें चार पैर होते हैं उसे कहते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को बांटा इन्होंने रेप्टाइल, एम्फीबियन,
एविस एंड हम मतलब मनुष्य मैमल्स। तो ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण किसका है? ये वर्गीकरण है स्टोरर एंड यूसिंगर क्लासिफिकेशन। तो आज हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इन्हीं का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोटोजोआ से। क्लियर है? तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जो मैंने बताया उसको चित्र के माध्यम से भी बताया, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में कौन आवे? पोरीफेरा, सिलेंडेट्रा, एनिलिडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, प्लैटीहेलमिंथस, आर्थ्रोपोडा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस पार्ट में डिवाइड किया। एंड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट मतलब अकशेरुक, जो दो प्रकार के होते हैं, विथ बैकबोन, जिनमें बैकबोन होती है, विदाउट बैकबोन होते हैं। ये याद रखें, इनका नाम इनवर्टिब्रेट क्यों पड़ा? क्योंकि इनमें बैकबोन नहीं होती है, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, परंतु वर्टिब्रेट में, जिसको हम कॉर्डेटा भी कहते हैं, इसमें बैकबोन होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है ऐसे एनिमल दोज कैन सर्वाइव इन एनी टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब जो अपनी बॉडी को एडजस्ट करने की ताकत रखते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वो कहलाते हैं वार्म ब्लडेड। जैसे कि बर्ड, मैमल्स। कोल्ड ब्लडेड मतलब जो जब भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, मतलब उनकी बॉडी जिसके लिए बनी है उसके विपरीत जलवायु, जैसे वो ठंड के जीव है, गर्मी आ गई, या गर्मी के जीव है तो ठंड आ गई, तो ये जीव क्या करते हैं? हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेट मतलब सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, सो जाते हैं। और जैसे इनके अनुकूल मौसम आता है, इनके कंफर्ट जोन में फेवरेबल सीजन आता है, ये फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइक फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन। ये कहलाते हैं वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। तो आपके लिए डिवीजन बहुत अच्छा हो गया है, एग्जाम में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ब्लडेड। तो फिश कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड है, एम्फीबियन। मैमल कोई कोल्ड ब्लडेड नहीं है, बर्ड कोई, बर्ड जो है वो वार्म ब्लडेड होती है। ठीक है, चलिए, ये एग्जाम में आएगा, आप नोट करिए इस बात को। हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ मतलब बहुत सिंपल लाइन अगर हम बोले, यूनिसेलुलर, एक कोशिका वाले जो। प्रोटो मतलब होता है प्रोटो, मतलब फर्स्ट, एंड जोआ मतलब एनिमल, प्रथम जीव, इस धरती पर आए पहले जीव, तो हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ के। इसलिए इनका नाम है, प्रोटो मतलब फर्स्ट और जोआ मतलब एनिमल। इस धरती पर जो आए हुए पहले जीव हैं, उन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ये प्रोटोजोआ जो होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें मूवमेंट करने के लिए, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे बाल जैसे निकले हुए, ये सीलिया होते हैं, सीलिया, और कुछ में फ्लैजेला पाया जाता है, फ्लैजेला। तो इन्हें मूव करने के लिए सीलिया और फ्लैजेला पाए, सीलिया एंड फ्लैजेला यूज इन लोकोमोशन फॉर दिस एनिमल। इन जीवों के लिए सीलिया ऑफ ले, नोट करिए, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और आ भी चुका है स्टेट पीसीएस में, कि यूनिसेलुलर यानी प्रोटोजोआ के मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, कि टांग होती है इनके पास, कैसे मूवमेंट करते हैं? दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा को कहते हैं अमर है भाई, अमीबा। अमीबा क्या है? अमर है, इरेगुलर इन शेप, इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो आपको डिसेंट्री बीमारी होती है, वो डिसेंट्री बीमारी इसी एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होती है। इस डिसेंट्री को हिंदी में पेचिस कहते हैं। जो आपको पेचिस बीमारी हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण। और एग्जांपल होते हैं युगलीना, ये बना है युगलीना,
युग लीना, ये एग्जांपल है पैरामीशियम, पैरामीशियम। तीसरा एग्जांपल लेता हूं प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मोडियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम। इसलिए प्रोटोजोआ से बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस होती है, पायरिया होता है। कौन कौन सी बीमारी होती है प्रोटोजोआ से? पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस। एक लिस्ट बन गई आपके पास, वन मतलब एक ये 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 चार बीमारियां पता हो गई जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। ठीक है, बॉटुलिज्म मींस फूड पॉइजनिंग। तो ये देखिए प्रोटोजोआ को मूव करने के लिए मैंने क्या बताया, क्या मिलते हैं इनमें? ये देखिए मैंने सीलिया, सीलिया पाया जाता है, और ये देखिए फ्लैजिलम पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये प्रोटोजोआ मूव करने का काम करते। फिर नेक्स्ट है पोरीफेरा। पोरी मतलब पोरस, पोरस मतलब जिनके शरीर में छोटे छोटे छेद मिलेंगे, जिनमें छोटे छोटे से छिद्र मिलेंगे। दे आर मेनी स्मॉल होल्स इन द बॉडी, दैट्स व्हाई दे नोन एज अ पोरीफेरा। पोरस होते हैं छोटे छोटे, छोटे छोटे से छेद होते हैं। ये पोरस सारे जितने भी बने हैं वो सब वही एनिमल हैं। इन्हें साधारणता स्पंज कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं? साधारणता स्पंज कहलाते हैं। स्पंज के रूप में होते हैं पोरीफेरा, और लगभग 10,000 स्पीसीज है इनकी, 10,000 प्रजातियां हैं। पोरीफेरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये किस रूप में पाए जाते हैं? इस छोटे छोटे छेद मिलते हैं। एग्जाम्पल है साइकॉन, यू स्पंजिया, स्पॉन्जिला। अब एग्जाम का क्वेश्चन सुनिए, इसमें से कौन सा बात स्पंज के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बात स्पंज, मतलब नहाते समय इसको घिसकर लगाते, इससे मैल वगैरह निकल जाता है। तो ऐसा कौन सा पोरीफेरा जीव है जो मर जाता है, उसके कंकाल को हम सुखा लेते हैं और स्पंज के रूप में उसका यूज करते हैं? तो वो आंसर है यू स्पंजिया। यू स्पंजिया को यूएस में, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में, पश्चिमी तट में एज अ बाथ स्पंज यूज करते हैं, स्पंजिया। समझ में आ रहा आपको? तो एग्जाम में आ जाएगा आपके। तो ये स्पंजिया क्या करते हैं? उसको साफ करने के लिए शरीर को एक सौ बाथ स्पंज यूज किया जाता है। एक और होता है जो मैंने एग्जाम्पल में लिखा, उसका मैं नाम यहां लिख देता हूं, यू थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यू प्लेक टेला, यू प्लेक टेला, हिंदी में लिख देता हूं यू प्लेक टेला। यू प्लेक टेला जापान में मिलता है, इसे वीनस फ्लावर कहते हैं, वीनस फ्लावर। जापान में इस पोरीफेरा को एज अ गिफ्ट एक दूसरे को टोकरी के रूप में दिया जाता है। ठीक है, एज अ टोकरी ग्रुप में, जैसा वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, ये जापान में, याद रखें जापान में दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पोरीफेरा। अब दूसरे जीव देखते हैं, सीलेंटेट्रा या निडेरिया, सीलेंटेट्रा या निडेरिया, इनमें क्या पाए जाते हैं? बाइट सेल होती है, काटने वाली सेल होती है, या इसको हम दंश कोशिकाएं कहते हैं। मतलब इनके पास जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कैसी होती है? इनके पास सीलेंटेट्रा के पास, सीलेंटेट्रा के पास जो स्टिनिंग सेल होती है, करेक्ट इंग्लिश वर्ड होगा स्टिनिंग सेल, कांटे जैसी कोशिकाएं होती है। सभी सदस्य जली होते हैं, ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था है। अभी तक सेल थी, अब सेल से क्या बन जाएंगे? इनिशियल स्टेज ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, यहां से टिश्यू बनना प्रारंभ हो जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं इनमें? इनमें विशेष प्रकार की कांटे जैसी कोशिकाएं होती हैं, जिसको स्टिंगिंग सेल कहते हैं, STINGING। एग्जाम्पल है जेली फिश, हाइड्रा, सी एनिमल। खास बात, जेली फिश इज नॉट अ फिश, जेली फिश कोई मछली नहीं होती, जेली फिश कोई मछली नहीं होती है। जेली फिश ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में काफी मात्रा मिलती है और कई बार कुछ लोगों को घायल कर देती है, इट इज वेरी डेंजरस। वहां पर आपको ग्लो साइन बोर्ड मिलेंगे कि अवे फ्रॉम जेली फिश, कि अपने आप को जेली फिश से दूर रखिए। ये है जेली फिश, ये देखिए जेली फिश, ये भी देखिए जेली फिश, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, जो वो बनते हैं, क्या बोलते हैं, जो कंकाल बनते हैं समुद्र में, जिनके ऊपर द्वीप बनते हैं, कोरल्स बनते हैं, जिसको कोरल कहते हैं, ये कोरल भी क्या है, सीलेंटेट्रा है। कोरल्स क्या है, एक प्रकार के सीलेंटेट्रा होते हैं, जिनको हम पॉलिप कहते हैं। इस पॉलिप पर ही उनका धीरे धीरे विकास होता है। अब एग्जाम में आएगा, खास बात, ये हाइड्रा में नो ब्रेन, ब्रेन नहीं होता हाइड्रा का, मस्तिष्क नहीं पाया जाता। चलिए आपके लिए देखो, मैं बताने को बहुत कुछ है सीलेंटेट्रा पर, कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। प्लेटी एलिमेंट, प्लेटी एलिमेंट मतलब फ्लैट ऑर्गेनिज्म, चपटे होते हैं। कैसे क्रमी होते हैं? चपटे क्रमी होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे फीतानुमा होते हैं, लाइक जैसे टेप बम कहते हैं, टेप बम होते हैं। मोस्ट आर पैरासाइटिक, अधिकांश परजीवी होते हैं। थॉर्न एंड सूकर्स होते हैं, मतलब इनके शरीर में कांटे होते हैं, चूसक, मतलब एक कांटा क्या करें, कांटे को वैसे सही वर्ड है थॉर्न की जगह हुक्स, इंग्लिश में करेक्ट वर्ड होगा हुक्स। ये अपने हुक को फंसा देते हैं और हुक फंसाने के बाद वहां से खून चूसकर अपना जीवन चलाते रहते हैं, खून चूसकर अपना जीवन चलाते। आर फाउंड इन देयर बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गन डेवलपमेंट इन दिस सीन, पहली बार इनमें अंगी विकास कहां पर दिखाई देता है, तो प्लेटी हेलिमेंथिस में पहली बार अंगी विकास दिखाई देता है। इसमें दिखाई देता है प्लेटी हेलिमेंथिस में अंगी विकास पहली बार दिखाई देता है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? लीवर फ्लूक। अबे लीवर फ्लूक क्या है, खास बात नोट करेंगे लीवर फ्लूक के बारे में। लीवर फ्लूक जो है, इट फाउंड इन काउ, पिग एंड वेरियस एनिमल इंटेस्टाइन, बहुत सारे गाय, बैल, सुअर, भैंस की बाइल में मिलता, पित्त सिस्टम में मिलता है। होता क्या है, धीरे धीरे बड़ा होता है और शरीर के अंदर घुस जाता है और वहां पर जाकर खून को चूसने लगता है और धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाता है और कहां पहुंच जाता है, लीवर में पहुंच जाता है और बीमारी पैर करके लीवर को खराब कर देता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लीवर फ्लू। फिर है आपका टेप वर्म, जिसे हम टीनिया सोलियम कहते हैं। टीनिया सोलियम एक प्लेटी हेलिमेंथिस, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम इज अ पैरासाइट, पैरासाइट है और ये दो जगह अपनी लाइफ को पूरा करता है। दो जगह, ध्यान से समझना इस बात को, दो जगह अपनी लाइफ को पूरा करता है, मनुष्य और अदर एनिमल, स्पेशली पिग। मानव के आत्म परजीवी के रूप में रहता, जब वो अंडे देता है तो मल के साथ वो अंडे बाहर आ जाते हैं, फिर वो मल के साथ वो सुअर के शरीर में चले जाते हैं, जहां पर अंडे का कवच सुअर की आंत में फूटता है और वहां पर टीनिया सोलियम में टेप वर्म का डेवलपमेंट होता है। वो टेप वर्म सुअर के मांस के द्वारा या सुअर के मल के द्वारा, पानी के द्वारा या किसी अन्य तरीके से हमारे शरीर में जाता है और पेट दर्द जैसी समस्या पैदा करता है, जिसमें आपको ब्लड कम होगा, एनीमिया हो जाएगा आपको, क्योंकि आपकी बॉडी का खून कौन चूस रहा होगा, ये टीनिया सोलियम में टेप वर्म कर रहा होगा। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एंटी बर्मिंग डे जो होता है उसके द्वारा आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी, अलमेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, तो ये टेप वर्म आपका ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं टेप वर्म का साइकिल बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा आपको, कि टेप वर्म क्या है, कितना खतरनाक है। ह्यूमन प्राइमरी होस्ट, पहला होस्ट कौन है, मनुष्य, पहला होस्ट कौन है, मनुष्य। ईट अंडर कुक पोर्क,
कम पका हुआ पोर खाएगा तो टेप बर्म कहां चला जाएगा? मनुष्य के शरीर में चला जाएगा। ये देखिए, पहले उसने खाया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहां गया? उसके पेट में गया। लार्वा इमर्ज फ्रॉम सिस्ट एंड अटैच टू इंटेस्टाइन वॉल। ये देखिए, इंटेस्टाइन वॉल के साथ वो अटैच हो गया, जिसमें हेड भी है। ये क्या करेगा? सक करने का काम करेगा ब्लड, और धीरे धीरे वहां पर क्या करेगा? कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ एग, हजारों की संख्या में अंडे देगा। और वो मल से अंडे जब बाहर आएंगे तो पिग जो होगा वो इंटरमीडिएट होस्ट होगा। ईट फूड कंटेमिनेटेड बाय इन्फेक्टेड फीसिस, उस मल को खाएगा। वो लार्वा सुअर के शरीर के अंदर जाकर क्या होगा? बड़ा होगा, और फिर वो आएगा, फिर वो पोर्क के थ्रू चला जाएगा। ये साइकिल चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये टीनिया सोलियम एग्जाम में आता है कि दो होस्ट है, इसके प्राइमरी मैन है और सेकेंडरी जो है वो पिग। क्लियर? फिर आएगा नेमेथेलेमिंथिस या नेमेटोड्स। क्या बोल रहे हैं? निमेटोड, सूत्रकृमि, धागा जैसे होते। सूत्र मतलब धागा, सूत्रकृमि। क्या बोलेंगे निमेटोड? निमेटोड्स और राउंड वर्म, इसको थ्रेड वर्म भी कह सकते हैं। थ्रेड वर्म गोलकृमि होते, राउंड वर्म होते। फाउंड इन वाटर और मॉइस्ट सॉइल, मोस्ट पैरासाइटिक, अधिकांश गीली मिट्टी में होते हैं, जैसे एस्केरिसिस, बुचेरिया, पिट वर्म। आप बोलेंगे हमने तो इसके नाम सुने ही नहीं है, तो मैं भी बोल देता हूं कि आपने नहीं सुने, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपने सबके नाम सुने होंगे। एस्किरियसिस जो होता है वो मनुष्य में, सुअर में, गाय, जानवर में पाया जाता है। ठीक है, जब इन्फेक्टेड लार्वा आप लेते हैं तो वो कहां पहुंच जाता है? आपके रीच ड्यूडेनम में पहुंच जाता है और वॉल में जाके ब्लड को सक करता है, और कई बार खून के थ्रू वो लंग्स में चला जाता है। जब आपको कफ आता है तो वो आपके मुंह से वो लंबा लंबा एक जीव निकलता है, सफेद रंग का, धागे नुमा, और कई बार वो अंदर जाके फिर आपके अंदर एग देता है। धीरे धीरे वो एग जो है आपकी बॉडी में फिर लगातार चलते हैं। इससे पेट दर्द होता है, जिसको एस्केरियसिस लुम्ब्राइडिन्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके शरीर में क्या करता है? तकलीफ देने का काम करता है। इसके द्वारा आपको बीमारी होती है, इसको एस्केरियसिस कहते हैं। पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगी। पेट दर्द होता है, बच्चा कमजोर हो जाता है, पता नहीं पड़ता इसको। हम लोग आमतौर पर गांव की भाषा में कुछ लोग पटार शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो पटार है जो आपके पेट में चिपक जाती है और धीरे धीरे वही डेवलप होती है। दूसरा है बुचेरिया, आपको अच्छे से याद होगा, ये फाइलेरिया बीमारी के लिए, फाइलेरिया, जिसको हम हाथी पांव एलिफेंटाइसिस कहते हैं। एलिफेंटाइसिस क्या है? सॉरी, एलिफेंटाइसिस यानी फाइलेरिया किसके कारण होता है? बुचेरिया। बुचेरिया किस फैमिली का है? निमेटोड। याद रखेंगे ये एग्जाम का क्वेश्चन कि बुचेरिया जिसके कारण हाथी पांव होता है वो किस परिवार का है? तो राउंड वर्म है, निमेटोड है, जो हाथी पांव जैसी बीमारी पैदा कर देता है। दूसरी बात बता देता हूं आपको, एक है पिन वर्म। सुना हो आपने, हम लोग बोलते ना गांव में चुन्ना काट रहा है, चुन्ना काटना यानी पिन वर्म, उसका नाम है पिन वर्म। इसको चुन्ना कृमि भी कहते हैं। जो बच्चों को ज्यादा मिठाई खाते हैं उनको ये समस्या हो जाती है, दवाई देने पर ये समस्या ठीक हो जाती है, लेकिन अगर नहीं होते धीरे धीरे चुन्ना यानी पिन वर्म की संख्या, पिन जैसा चुभता है, इसलिए उसका नाम पिन वर्म। कैसे चुभता है? पिन जैसा लगता है कि कोई पिन चुभ हो रहा है, इसलिए उसका नाम पिन वर्म है। धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है एक एज के बाद, और फिर फूड हैबिट थोड़ी चेंज करने पर दवाइयों के साथ वो बदलाव हो जाता है। तो पिन वर्म ही क्या है? एक प्रकार का निमेटोड है। क्लियर? एनिलिडा, किसकी हम बात कर रहे हैं? एनिलिडा, खंड युक्त या बले युक्त, मतलब ये जीव कैसे होंगे? एक सिंगल नहीं होंगे, अलग अलग ऐसे पार्ट में बटे होंगे, इसलिए इनको खंड युक्त या रिंग्ड वर्म कहते हैं। रिंग के रूप में देखो, यहां पर एक खंड मिल रहा है, अलग अलग ये अलग अलग खंड बने हुए, ठीक है, ये खंड होते हैं। पतले बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, जली होते हैं। एग्जाम्पल जोंक और केचुआ, ये नीचे बना है वो जोंक, ये जो बना है केचुआ है। जोंक मतलब जो ब्लड को सक करने का काम करता है, जो क्या है, खून को चूसने का काम करती है, और किसी भी जानवर के शरीर से चिपक कर क्या करती है? उसके खून को चूस लेती है। ठीक है,
डाउट इसमें? क्लियर। अब बात करते हैं केचू, ऐसे कहते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी को छोटे छोटे बारीक पार्ट में तोड़ देता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, मिट्टी पोरस हो जाती है, जिसमें एयर अंदर तक पेड़ तक चली जाती है और पेड़ की ग्रोथ हो जाती है, इसलिए और इसकी बनी खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो किससे बनती है, एनलिडा फैमिली के जीव से। ठीक है, अब बात करते हैं मोलस्क। मोलस्क मतलब पहले तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन है, मोलस्क है। कोमल शरीर होता है, वेरी वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी होती है, मोस्ट मराइन, समुद्र में पाए जाते हैं। सेल अराउंड बॉडी एंड कैल्शियम कार्बोनेट, चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, बड़े सॉफ्ट है इसलिए कुछ नुकसान ना हो, इसलिए ये लोग अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं। हाँ, फ्रेंड नो मोर सीन इन फॉर्म्स नाउ बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन। फर्स्ट रीजन इज ह्यूमिडिटी, मिट्टी की ह्यूमिडिटी कम हो रही, तो केचुआ सर्वाइव कैसे करें, तो सर्वाइव करना उसके लिए बहुत दिक्कत का काम है। सेकेंड रीजन इज हाई यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, तो उससे बेचारे की डेथ हो रही, तो अब मित्र नहीं रह गया किसानों का, क्योंकि किसानों ने इसको दुश्मन बना लिया, वो तो बेचारा उसके लिए तैयार था हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक कवर बना लिया, जैसे कि पाइला, इसको हिंदी में कहते हैं घोंगा, क्या कहते हैं, घोंगा कहते हैं। ये यूनी इसको सीप कहते हैं। ये ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी इस मोलस्क फैमिली का है, पर इसके ऊपर कोई कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट की कोई कवरिंग इसके ऊपर नहीं। जो आप शंख बजाते हैं, जो शंख बजाते हैं वो घोंगा ही होता है, जो आप शंख बजाते हैं वो क्या होता है, घोंगा होता है, जिसके माध्यम से शंख बजा जाता है। अब एग्जाम में आएगा कि शंख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शंख का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी, शंख का अध्ययन। संघ का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, कॉन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सीप भी क्या होता है, सीप जो है वो एक मांसाहारी जीव है। कैसा जीव है, मांसाहारी जीव है ये सीप। ठीक है, ऑक्टोपस भी क्या है, एक प्रकार का मांसाहारी जीव है ऑक्टोपस। इसका नाम इसलिए ऑक्टोपस पड़ा क्योंकि इसकी आठ टांगे होती, पर इसमें कवच नहीं होता है। इसका दूसरा नाम एग्जाम में आएगा डेविल फिश भी, डेविल फिश, इसको डेविल फिश के नाम से भी ऑक्टोपस को जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, डेविल फिश के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसके बॉडी में मिलती है, एग्जाम का क्वेश्चन है, इंक ग्लैंड मिलती है, स्याही वाली ग्रंथियां मिलती है, जैसे किसी शत्रु पर हमला करता है स्याही फैला देता है, तो अंधेरा हो जाता है या शत्रु इस पर हमला करते हैं तो इंक ग्लैंड फैला कर अपने आप को बचा ले जाता है, समझ में आ रही, स्याही फैला देता है जिससे समुद्र में अंधेरा हो जाता है और एक गायब हो जाता है। क्लियर है, एग्जाम में आएगा जो पूजा पाठ में शंख बजाते हैं वो किस फैमिली का, तो मोलस्क फैमिली का है। मोलस्क फैमिली के ऊपर किसका कवच होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, दे मेक अ सील्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज देयर बॉडी इज वेरी सॉफ्ट, क्योंकि उनका शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्लियर है, अब अगली फैमिली आती है आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम, लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ एनिमल, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा फैमिली कोई है
तो वह आर्थोपोडा। आर्थोपोडा क्यों पढ़ा? आर्थो मींस ज्वाइंट, पोडा मींस पैर, और जिनमें ज्वाइंट संधि युक्त पैर पाए जाते हैं, ठीक है। क्रीचर विथ ज्वाइंट लैग उसको हम आर्थोपोडा कहते हैं। जल में भी मिलते हैं, थल में भी मिलते हैं, वायु में मिलते हैं। शरीर तीन भागों में बटा, सिर, वक्ष और उदर। द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन। तीन पार्ट में डिवाइडेड। ब्लड ट्रांसपोर्टर सिस्टम इज ओपन, खुला पाया जाता है। एग्जाम्पल है केकड़ा, बिच्छू, लॉबस्टर, क्रेफिश, बैड बग, लाउज, टर्माइट, स्पाइडर। बहुत बहुत बड़ा परिवार। ये देख लीजिए झींगा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉन। एक केकड़ा, क्रैब, मक्खी, तिलचट्टा, भृंग, सेंटीपीड, बिच्छू, ये सब क्या है? सब आर्थ्रोपोडा है। सबसे बड़ी फैमिली है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके बाहर भी एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब इनके बाहर भी कंकाल होता है। क्यों होता है ये बाहर कंकाल? इसलिए होता है जिससे अपने आप को बचा सके। ये बाहर का कंकाल काइटिन का बना होता है। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन। इनका बाह्य कंकाल किसका बना होता है? इनका बाह्य कंकाल काइटिन का। नोट करेंगे तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा मेड बाय काइटिन। किसके द्वारा बना होता है? काइटिन के द्वारा बना होता है। हाउ मेनी लेग ऑफ क्रैब? क्रैब के कितनी टांग होती है? तो आंसर इज 10। ये क्वेश्चन आ चुका है। केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो केकड़े के 10 पैर होते हैं, ठीक है। ये बिच्छू है, बिच्छू के बारे में कहा गया, ये स्कॉर्पियन। बिच्छू के बारे में कहा जाता है कि बिच्छू जब किसी के साथ, अपने फीमेल के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरकोर्स करता है, प्रणय निवेदन करता है कि भाई हम आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उसके पहले वो डांस करता है, जिसको कहते हैं इंटरकोर्स डांस कहते हैं। उसके बाद मादा उस नर को मारकर खा जाती है उस इंटरकोर्स के बाद, ठीक है। मादा क्या करती है? नर को मारकर खा जाती है, क्लियर है। कोर्टशिप डांस कहते हैं। तो कोर्टशिप डांस कौन करता है? बिच्छू करता है। प्रणय निवेदन नृत्य करता है, अपनी मादा को रिझाने के लिए नृत्य करता है। और जब सारी क्रिया हो जाती है उसके बाद मादा नर को खा जाती है, और एक बार में मादा 2 से 3 दर्जन अंडे देती है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको यहां पर? तो ये है इस फैमिली, बहुत बड़ी। मच्छर भी इसी फैमिली का है। मॉस्किटो ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस फैमिली। टिड्डी सी में है, टिड्डी जानते हैं, जो टिड्डी दल हमला करता है बहुत सारा, ग्रास ऊपर कहते हैं इसको, वो भी इसी फैमिली का है, जो एक बार में सारी फसल को नष्ट कर जाता है, नष्ट कर देता है। कन खजूरा सेंटीपीड भी इसी फैमिली का है। मिलीपीड सहस्त्रपाद, सेंटीपीड में 100 होते हैं, मिलीपीड में सहस्त्र होते, 1000 होते हैं, तो मिलीपीड भी इसी फैमिली का है, ठीक है। हर जगह पाए जाते हैं जीव। देखिए आपको कोई डाउट हो लिखिए जरूर, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए भी, ठीक है। तो आप लिखते रहेंगे तो थोड़ा सा एक इंटरेक्शन, प्रॉपर इंटरेक्शन होता रहेगा। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ी फैमिली है और लंबे समय से जिंदा है ये फैमिली। काकरोच को देख लीजिए, लंबे समय से बना हुआ काकरोच, ये नष्ट नहीं हुआ है काकरोच, लंबे समय से इस धरती पर पाया जा रहा है, ठीक है। और क्या बताया मैंने इनको? एक्स्ट्रो स्केलेटन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि काइटिन क्या है? काइटिन कहते हैं एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये फेरोमोन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होते हैं? एक प्रकार के मैसेंजर होते हैं, एक प्रकार का केमिकल होता है विच सेक्रेटेड बाय दीज एनिमल टू अट्रैक्ट और देयर फीमेल और मेल और सेंड मैसेज, किसी संदेश को भेजने के लिए या नर या मादा को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन्स को छोड़ने का काम, ठीक है। कोई डाउट किसी को? याद रहेगा आपको अगली फैमिली की बात। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा मतलब कंटकी त्वचा, कांटे जैसे निकले रहते हैं,
क्या निकले रहते हैं इनके, कांटे जैसे निकले रहते हैं, हैविंग स्पाइनी स्किन। ऐसे देखो ये छोटे छोटे से कांटे निकले, देखो ये कांटे निकले, ये छोटे छोटे कांटे जैसे निकला होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स, लैंगिक जनन होता है प्राय समुद्री होते हैं, तारा मछली, समुद्री खीरा, ब्रिटर स्टार, स्टार फिश, सी कुकंबर एंड ब्रिटर स्टार। मतलब जो स्टार फिश होती है दैट इज नॉट अ फिश। मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, बता दूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश, मतलब निम्न में से कोई भी मछली नहीं होगी, पूरी मछली की लिस्ट दे देगा। तो हम बात कर रहे हैं स्टार फिश की। स्टार फिश के पास भी एक्सो स्केलेटन होता है, एक बाह क्या बोलते हैं कंकाल होता है। समुद्री खीरा हो गया, ये सब जो है इसी फैमिली के हैं, ब्रिटल स्टार भी इसी फैमिली का है, क्लियर है। तो ये है इकाइनोडर्मेटा। तो यहां पर हमने जितनी फैमिली पढ़ी है सारी फैमिली इनवर्टिब्रेट्स, किसी में भी रीढ़ की हड्डी बैकबोन नहीं पाई गई। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फैमिली की जिस फैमिली में बैकबोन है, ऐसे परिवार की अब शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी मिलती, बैकबोन फाउंड, जिसमें रीढ़ की हड्डी मिलती। अभी तक हमने जितने परिवार पढ़े हैं सब में किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं मिल रही है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार की जिसमें रीढ़ की हड्डी मिल रही है। अब रीढ़ की हड्डी के परिवार को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा परिवार, देखिए अच्छे बताइए, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के चारों तरफ की जो हड्डी है, या ऐसा एक डब्बा जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित है, या ब्रेन बॉक्स की हड्डी का नाम क्या है बताइए जरा। ब्रेन बॉक्स किसे कहते हैं? तो ब्रेन बॉक्स जो होता है वो ब्रेन बॉक्स कहलाता है, जिसमें हमारा ब्रेन रखा होता है उस ब्रेन बॉक्स को कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। तो क्रेनियम किसी में मिलता है, किसी में क्रेनियम नहीं मिलता है। तो हमने किसके बेस पर क्रेनियम नहीं मिलता, क्रेनियम मिलता है, इसके बीच पर इसकी दो कैटेगरी, मतलब इसमें बैकबोन तो है पर एक में मस्तिष्क में वो नहीं है, मस्तिष्क रखने का बॉक्स नहीं है, और एक में बॉक्स है। वैसे इसको पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं, मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं, पर केवल बता रहा हूं कि इस तरह का विभाजन किया गया, इसको कहते हैं एक्रेनिया फैमिली। बस इतना ही पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़िए। क्या कहते हैं? एक्रेनिया। इसको कहते हैं क्रेनिया, 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 इसको कहते हैं एक्रेनिया। बस केवल नाम पता होना चाहिए आपको, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, ठीक है। जब मैंने बोल दिया नहीं आएगा मतलब टेंशन मत लीजिए कि आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं क्रेनिया, क्रेनिया, जिसमें रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ब्रेन बॉक्स भी मिलता है, ठीक है। चलिए, इस क्रेनियम फैमिली को हमने क्या किया, फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रेनिया। अब मैं अपने पढ़ने के लिए बात कर रहा हूं, इसके डिवीजन अगर देखें तो बहुत डेप्थ में जाएंगे, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। हम केवल बात कर रहे हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें इसको और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्रेनिया को, एग्नेथा। एग्नेथा मतलब जिसमें आपका जॉ नहीं मिलती है, एग्नेथा में नहीं पढ़ना हमको, एग्नेथा में जॉ नहीं मिलती है, नेथोस्टोमेटा में जॉ मिलता है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसे केवल दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पाइसिस एंड टेट्रापोडस, मत्स्य ग्रुप, मत्स्य समूह और चतुष्पाद, ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मत्स्य मतलब मछलियों का समूह, इसमें जो जो हम नाम लेंगे वो मछली है, इसके अलावा इस ग्रुप के अलावा जिसके नाम के आगे भले फिश लगाओ, स्टार फिश, जेली फिश, क्रे फिश, डेविल फिश, कोई फिश नहीं, प्रॉन फिश, कोई फिश नहीं, इस फैमिली में जो भी होगी वही फिश होगी, बात समझ में आ रही, इस फैमिली में जो होगी वही फिश होगी, बाकी कोई फिश नहीं, क्लियर है। तो हम पाइसिस समूह पढ़ेंगे और चतुष्पाद, चतुष्पाद को हमने फिर से फोर, टेट्रा मीन्स फोर, तो फोर पार्ट में डिवाइड किया है इसको। पहला पार्ट है हमारा रेप्टाइल, रेंगना, अरे सॉरी रेंगना, इसको हिंदी में कहते हैं सरीसृप,
फिर एम्फीबियन, एम्फीबियंस, उभयचर, उभयचर मीन जो जल और थल दोनों में रहते हैं। फिर हम बात करते हैं पक्षी वर्ग, बर्ड, जिसको हम कहते हैं एविस, लास्ट मैमल, मैमल्स, स्तनधारी। इस चार पार्ट में डिवाइड किया है तो हमें आगे ये पढ़ना है। दूसरा, इसमें दो बातें और समझ लीजिए, इन दोनों को कहते हैं और इसको भी, इन तीनों को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। और इसको कहते हैं, इन दोनों को, एविस और मैमल्स को कहते हैं वार्म ब्लडेड। गर्म रुधिर वाले और शीत रुधिर वाले के नाम से, ये क्लियर है आपको? कल का दिन आपके लिए बहुत खास होगा क्योंकि पाइसिस पर और एम्फीबियंस पर काफी क्वेश्चंस आए हैं। ये वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स से करते हैं, उनका हार्ट कैसा होता है, क्या उनका वेन्स हार्ट होता है, कितने चैम्बर होते हैं, मगरमच्छ में कितने चैम्बर्स होते हैं, फिश में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप, ये हम जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको बायो नहीं पढ़ा रहा हूं कतई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पिछले 5 साल की स्टडी का मैं आपको निचोड़ दे रहा हूं, एक्सट्रैक्ट दे रहा हूं, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केवल यूपी नहीं, केवल उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान नहीं, सबका मिला जुला दे रहा हूं। हो सकता है कि आप ऐसे स्टेट में जहां पर पोर्शन कम हो, या हो सकता है ऐसे स्टेट में जहां पोर्शन ज्यादा हो, तो कुल मिला के ओवरऑल कर रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, जिसमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कभी आया तो मैं ईयर भी बता दूंगा, पर इसमें मेरे को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जो बहुत जरूरी नहीं है, पर यह कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ग्रो होगा कि हाँ हाँ सर जो बोल रहे हैं वो वाकई इस ईयर में आया हुआ है, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं बता दूंगा कि किस ईयर में क्या क्या आया। तो इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो कल हमारा टॉपिक है ये सारा कुछ कोर डेटा, और कोर डेटा हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और हम कल कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी एमसीक्यूज इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है? तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे जिससे आपको पता पड़ जाएगा, मैं लिख भी दूंगा कि किस कहां कहां पर आया हुआ, तो आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिएगा। यूपी हैज वेरी लेस वैकेंसी दिस ईयर, ठीक है। अब देखिए, ये तो एक बड़ी समस्या है कि किसी ईयर ज्यादा आएंगे, किसी ईयर कम आएंगी, अभी आपके साथ हो रहा है, कभी किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी, तो ये कोई बात नहीं है। हमें पॉजिटिव माइंड से सोचना चाहिए कि भाई जितनी पोस्ट है हमको एक चाहिए, हमको चार नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट करें अपने आप को, थोड़ा सा लगता जरूर है कि भाई कम है, पर टेंशन नहीं लीजिए उस पर, पॉजिटिव माइंड सेट से काम करिए, अच्छे से लगे रहिए, एनर्जी मेंटेन करिए, डिसिप्लिन करिए, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखिए। और दूसरा एक बात और याद रखिए, आइडिया प्लानिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट। जो भी आप करें, जो भी प्लान आप बनाते हैं, उसका अगर आपने 50% भी इंप्लीमेंट कर दिया, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, मेरी बात मान लीजिए। इतने 10-15 सालों से मैं इतने जगह पढ़ाकर, इतने अध्ययन करके एक चीज समझी है ना, कि बहुत कम लोग ही पूरी एफर्ट के साथ पढ़ते हैं। तो आप उन पर फोकस करिए, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए, निकल जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। कल कितने बजे होगी घोष्ट जी? तो 7 बजे होगी, वैसे आप तो कभी भी घोष्ट है तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कितने बजे होगी, पर आपका स्वागत रहेगा, और मुझे खुशी होगी पहली बार कोई घोष्ट भी हमारे पास होस्ट बनकर आए हुए, ठीक है। कल 7 बजे है ना, तो कल हम सब मिलते हैं 7 बजे, और बहुत अच्छे से पढ़िए भाई, कितनी पोस्ट आई है, कितनी नहीं आई है, उसकी चिंता मत करिए, 100% लगाइए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। आप कम भी ज्ञानी होगे ना, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अपनी बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगा कि किस बच्चे को मैंने देखा है कि इस पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं, इसको इस पोस्ट पे, उसका बैकग्राउंड क्या रहा, तो स्टोरी मोटिवेशनल मेरे पास बहुत है, पर वो मोटिवेशन आपके अंदर पैदा होना चाहिए, और आपने ही बहुत सारी पढ़ी होगी मोटिवेशन स्टोरी, केवल पढ़ना नहीं, उसको एग्जीक्यूट करना है, बार बार बोलना एग्जीक्यूट करो,
आप सबके अंदर टैलेंट है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास टैलेंट है। ऑल आर ऑफ यू, ऑल यू स्टेम सेल, सबके अंदर वो स्टेम सेल है, एक ऐसा सीड है जो जिसको वो ट्री में कन्वर्ट कर सकता है। आपके अंदर वो बीज है, अपने आप को कन्वर्ट करिए इज अ लार्ज बिग 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 ट्री, सबके पास वो है। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आज से ही लक्ष्य बनाएं कि बस सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे। कोई डाउट है प्लीज मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपकी हर संभव